क्या आप भी स्कैनिंग करना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में, निराकरण प्राप्त करना चाहते हैं लोगों की समस्याओं की, परालौकिक गतिविधियों की, और देखना चाहते हैं अदृश्य दुनिया को, भूत प्रेत आदि जैसी निगेटिव एनर्जी से बात करना चाहते हैं, सकारात्मक शक्तियों दिव्य आत्माओं से बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप भी आज्ञा चक्र जागरण के लिए ग्रुप बनाया गया है जो नवरात्र से प्रारंभ होगा, तो आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में आप भी ज्वाइन होकर आप अपना त्रिनेत्र जागरण कर सकते हैं, और त्रिनेत्र जागरण के बाद आपको उस ग्रुप के माध्यम से प्रैक्टिकल कराया जाएगा कि उस प्रैक्टिकल के माध्यम से आप कैसे शक्तियों से जुड़ेंगे, कैसे वार्ता करेंगे, कैसे किसी के बारे में क्या समस्या है जानेंगे, देखेंगे लोगों की स्कैनिंग कैसे आपको करनी है, यह सब चीज़ें ग्रुप में सिखाई जाएंगी। तो जो भी व्यक्ति परालौकिक जगत में रुचि रखते हों और सीखना चाहते हों स्कैनिंग करना, पैरानॉर्मल स्कैनिंग करना, परालौकिक परीक्षण करना, या लोगों के बारे में जानना कि किसको किस प्रकार की समस्या है, ग्रह दोष है, प्रेत बाधा है, या घर में क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, किसी ने किया है या तंत्र प्रयोग हुआ है या अपने से लग गई हैं चीज़ें, तो जो भी व्यक्ति इन चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं आध्यात्मिक दुनिया में और उनको सफलता नहीं मिल पा रही है कहीं से भी, तो आप योग माया दरबार में जो ग्रुप ऑनलाइन साधना कोर्स चलाया जा रहा है उसमें आप सब ज्वाइन हो सकते हैं, और उस कोर्स के माध्यम से आप जो कुछ भी हमने बताया वो सभी चीज़ें कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा जिससे आप चीज़ों को सीख सकते हैं कि किस प्रकार चीज़ें की जा रही हैं। आप हमारे पास भी आके सान्निध्य साधना भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑनलाइन चलाया जा रहा है बहुत ही कम धनराशि में, जिस धनराशि को हर व्यक्ति थोड़ा मेहनत करके कलेक्ट कर सकता है और चीज़ें सीख सकता है, क्योंकि विद्याएं सीखने के लिए कुछ व्यक्ति को त्याग करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा त्याग कर कर आप भी ऐसी गुप्त विद्याएं सीख सकते हैं। जो व्यक्ति आज्ञा चक्र जागृत करना चाहते हैं, आज्ञा चक्र जागरण बहुत ही गुप्त क्रिया होती है, व्यक्ति पूरी जीवन लगा देता है फिर भी आज्ञा चक्र उसका जागृत नहीं होता, लेकिन आप सबको एक सुनहरा अवसर है योग माया दरबार में कि आप सब ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। जल्द से जल्द सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फिर उसके माध्यम से आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं जो भी हमने बताया, और आपको प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा, उसके बाद आप ग्रुप के माध्यम से, या आपको व्यक्तिगत अगर ग्रुप में कोई आपको दिक्कत है तो आपको व्यक्तिगत तौर पर भी मार्गदर्शित किया जाएगा, ग्रुप में आपको नहीं ऐड किया जाएगा फिर भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो जो भी साधक साधिका जुड़ना चाहते हों, जो दरबार चलाते हों, या जिनके ऊपर देवी देवताओं की सवारी आती है, या जो अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुंडलनी जागृत करना चाहते हैं, तो सभी साधक जुड़कर आज्ञा चक्र जागृत करें और उसके बाद फिर आध्यात्मिक उन्नत के लिए अग्रसर हों, क्योंकि आज्ञा चक्र जागरण के बाद आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। जिस प्रकार मनुष्य इन आँखों से दिखता है साधारण आँखों से, उसी प्रकार दिव्य शक्तियाँ, भूत प्रेत, सकारात्मक ऊर्जाएँ, नकारात्मक ऊर्जाएँ दिव्य दृष्टि से ही दिखती हैं। तो जो भी दिव्य दृष्टि अपनी जागृत करना चाहें वो कर सकते हैं, संपर्क करें जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस नंबर पे, और अपना रजिस्ट्रेशन फीस देकर रजिस्ट्रेशन करा लें, और नवरात्रि से पहले ही आपको साधना दे दी जाएगी और आप सब ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप के माध्यम से आप साधना कीजिए और अपने जीवन को बदलिए। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मा योग माया।